न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में फटा बादल, कई लोग लापता। हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक करीब तीन जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में करीब 40 लोग लापता हो गए, जबकि एक का शव मिला है। बादल फटने के कारण हिमाचल के कुल्लू, मंडी और शिमला में तबाही का मंजर है। इस वजह से कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया। तीनों जगह पर करीब 40 लोग लापता हो गए। मंडी में एक शव मिला है, यहां 35 लोग सुरक्षित बचाए गए। बादल फटने की घटना के बाद मंडी के पदर के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए। DC ने आदेश जारी किए। मौसम विभाग ने शुक्रवार से राज्य के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के लिए बुधवार को येलो अलर्ट भी जारी किया था। राज्य में भारी बारिश का दौर 6 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के कारण 48 सड़कें बंद हो गई और बिजली सेवाएं प्रभावित हुई। BJP के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात कर जानकारी ली और मोदी सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।